नमस्कार जय जगन्नाथ श्रोता बंधु दर्शक बंधु मु पुणी थरे आपनको प्रिय चैनल यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग चैनल रे आपनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करुचि। आपन वर्तमान सुधा सुनुचंती गीता ज्ञान विषय रे, तो जदि आपन पूर्वरु गीता ज्ञान विषय रे सुनि नहंती तो मु आपनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दउचि। आपन लिंक टच कर गीता ज्ञान विषय संपूर्ण गीता विषय रे अर्थ सहित सुनि पारिबे। यदि आपन ए चैनल रे नुवा वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक रू अधिक शेयर करूँ, कमेंट बक्स निश्चित भाव आप कमेंट दिखते आप समय को मुझे बेस बर्बाद नक नष्ट नक तुरंत आरंभ करुच्चे। आज गीता ज्ञान विषय आज आम द्वितीय अध्याय चालीस नंबर श्लोक थारु एकावन नंबर श्लोक पर्यंत आलोचना करवा, तेज आसतु आलोचना करवा। जय जगन्नाथ। ओम नेहाभिक्रमण प्रत्यव्यायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एहि कर्म जोगरे आरंभर अर्थात बीजर नाश हो नाही एवं विपरीत फल रूपक दोष मध्य एथिरे हुए नाही, बरं एहि कर्म जोग रूपक धर्मर सामान्य मात्र साधना भी जन्म मृत्यु रूपक विराट भय को रक्षा करि दिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हुरु नंदन बहु शाखा हन्यतंस बुध यो व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, यही कर्म जोगरे निश्चय आत्मिका बुद्धि गोटे मात्र हुए, किंतु अस्थिर विचार युक्त विवेकहीन सकाम मनुष्य मानकर बुद्धि निश्चित भावरे बहु प्रकार ओ असंख्य हुए। जमी मा पुष्पितांग वाच प्रवद्यन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्य दस्तितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगे सर्जं गतिं प्रति भोगे सर्ज प्रसक्ताना तया प्रभूत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधून विधीयते। हे अर्जुन, जो माने भोगरे बुढ़ी रही अच्छा जो माने कर्म फल प्रशंसा करुवा वेद वाक्य प्रीति रखती जो माने जो मान बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु एवं जो माने स्वर्ग रु बोली अन्य कौनसी वस्तु नहीं बोली कहती से ही अविवेकी माने भोग ऐश्वर्य प्राप्ति निम्ते जन्म रूपक कर्म फल देउथिबा क्रिया बहुल श्रुति मधुर सुंदर पुष्पित बाणी कहंती से ही बाणी द्वारा जीव मानंकर चित्त हरण हो जाउछि जीव माने भोग ऐश्वर्य रे अत्यंत आसक्त से ही पुरुष मानंक परमात्मा कठारे निश्चय आत्मिका बुद्धि हुए नाही। त्रैगुण विषय वेद निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निदंदो नि सत्वस्तु नित्य सत्वस्तु निर्जोग अक्षम आत्ममान। हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकारे तीन गुणर कार्य रूपी समस्त भोग एवं से सबुर साधन मानकर प्रतिपादन करती तुम्भे से सबु भोग एवं से सबु भोगर साधन आसक्ति त्याग कर हर्ष स्वर्गादि हर्ष सुख आदि द्वंद रहित हो जाओ नित्य वस्तु परमात्मा ठारे अवस्थित हो जोगक्षम न चाह स्वाधीन अंतःकरण युक्त हो जाओ। जावानर्थ उदपानी सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सबु दिगरु परिपूर्ण जलाशय टिए पाइगले छोटा जलाशय मनुष्यर जेतिकी प्रयोजन रहे ब्रह्म ज्ञान लाभ करितबा ब्राह्मण मानंकर समस्त वेदरे सेतिकी प्रयोजन रही थाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू रमाते संगस्त कर्मणि। कर्म करिवारे ही तुम्हर अधिकार रही अछि, कर्मर फल उपरे तुम्हर कदापि अधिकार नाही, तेणु तुम्हे कर्म फल कारण हो नाही तथा तुम्हर कर्म न करिवारे भी आसक्ति न हेउ। जोगस्तः कुरु कर्माणि संगतुकता धनंजय सिद्ध सिद्धियो समभृत्वा समत्वं जोग उच्यते। हे धनंजय, तुम्हे असक्ति त्याग करी तथा
सिद्धि असिद्धि र समान बुद्धि रखी योगस्थ होई कर्तव्य कर्म कर समत्व कहीं योग कुहा जाए। दूरेण ह्य भर कर्म बुद्धि दोगा धनंजय बुधौ शरण मनिच्छ्वा कृपण फल हेतव। यही समत्व रूपक बुद्धि योग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निम्न से नटे। तेणु हे धनंजय तुम्हें समबुद्धि ही रक्षार उपाय खोज अर्थात बुद्धि जोगरी आश्रय ग्रहण कर। कारण फल कारण हेतुवा लोके अत्यंत दीन बुद्धि युक्तो जोलाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा जोगाय योज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। समबुद्धि संपन्न मनुष्य पुण्य ओ पाप उभय को इह लोक त्याग कर दिखते अर्थात से मुक्त हो जाती। तेणु तुम्हें समत्व रूपक जुगरे लागि जाओ। यही समत्व रूपक जुग ही कर्म कुशलता अर्थात कर्म बंधन मुक्ति पाइबार उपाय। कर्म ज बुद्धि जुक्त्वा हि फल त्वकता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्त पदंगच्छन्ति नामयम्। कारण समबुद्धि युक्त ज्ञानी माने कर्म द्वारा उत्पन्न होता फल त्याग करी जन्म रूपक बंधन मुक्त होई निर्विकार परम पद प्राप्त होई जानते। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपण उत्साह सहित ए पर्यंत ए एपिसोड को देखिथिबारु ए अध्याय को देखिथिबारु आज दिनटी आपण बहुत मंगलमय शुभमय हो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।